नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। यमुनानगर का गांव बाल छप्पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां की आवाज से गूंज उठा। निशाने पर था सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल एक प्रत्याशी का घर। जनवरी में गांव के चौराहे पर एक धमकी भरा पोस्ट भी लगाया गया था, जिस पर लिखा गया है कि जो भी सरपंच बनना चाहेगा वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बार बार हो रही ऐसी वारदातों के बाद गांव वासियों में दहशत का माहौल फैल चुका है और जिस प्रत्याशी के घर फायरिंग हुई है उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद्र जी। क्या वारदात हुई है गांव में? ये गोली चली है गांव के अंदर। किस वजह से? ये पता नहीं किस वजह से सरपंच के इलेक्शन की वजह से चली है। इससे पहले भी कभी वारदात? हाँ, इससे पहले भी सरपंच की वजह से गोली चली है जी। ये लिखा था अभी जो भी कोई सरपंच बनेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे जी, इस गांव का सुधार होना चाहिए है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इस गोली के मामले में। सर, लाल छप्पर गांव में गोलियां चली हैं, क्या मैटर है? हाँ, ये अनुराधा वाइफ ऑफ लाल दास हैं, हरिजन हैं, इलेक्शन में खड़े होने थे तो किसी शरारती आदमी ने ये चार गोलियां इनके दरवाजे में मारी हैं और जो अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। सर, इन्होंने पहले धमकी भी दी थी, कुछ पहले पोस्टर लगाए थे गांव में? नहीं, इनके घर पर इनको तो कोई धमकी नहीं दी थी। पहले एक बार लाल छप्पर में एक साल पहले भी गोली चली थी और आज ये एक साल के बाद फिर इन्होंने बात दोहराई है। क्या लग रहा है सर देखते वारदात? देख रहे हैं इसमें किस तरफ। सर, और भी एक दो गाँव में है तो लगता है कि एक ही गिरोह होगा ये। मे भी ये भी ऐसा हो सकता है एक ही गिरोह का काम हो, वैसे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मायराम है। क्या वारदात हुई है? यहाँ पर गोली चली है जी। किसने चलाई है? ये नहीं पता किसने चलाई है। इससे पहले कब कभी वारदात हुई? यहाँ पहले भी कई बार वारदात हो गई है, गांव में सरपंच मारा और यहाँ चौक में भी चली है, यहाँ भी चल गई है। क्यों चल रही है? क्या क्या इसका पता नहीं सर, क्या चल रही है सरपंच के इलेक्शन? तो जब पहले सरपंच मारा वो पकड़े गए? नहीं पकड़े। तो दहशत फैल गया। राजबाला, क्या देखा आपने यहाँ पे? रात मैं बाथरूम की तरफ आई, गोली दर्द सिर लगी ने पहली चली थी मैंने, फिर बहू ने चंगान मारी पीछे तक, मम्मी गोलियां चल रही गेट पर मारे का। अच्छा। मैं बाथरूम में बढ़ गई, फिर अंदर बढ़ गए दोनों जीव रेंडे में। तो कितने लोग थे, क्या देखा? दो बंदे थे बेटे, दो। एक ने यहाँ खड़ा था जिनने चलाइया और दूसरा वहां खड़ा था मोटरसाइकिल में, उन्हें स्टार्ट कर रखी थी पहली मोटरसाइकिल वाती फटफटी सी वाली लंबर तार रखे उसके पीछे दे मैं ठहरा बगदे बने जेल पड़ी से। तो कुछ बोल के भी गए? गाल देकर गए। क्या कह के गए? बहन चौध का मन माजरी में ते बनकर दिखाओ सरपंच का, यूं गाल गए थे। तो क्या आवाज हुई, पहचानी कोई शक्ल पहचानी? क्या पंजाबी सरदारा के लड़के हैं, सरदार हैं जुड़े वाले। तो क्या आपके घर से सरपंच उम्मीदवार है? मेरा लड़का खड़ा था। अच्छा, उसको धमकी देकर गए? हाँ जी। तो क्या वो उम्मीदवार खड़ा हो गया और नाम वापस ले? वो तो जवाब दे रही है वो, मेरे छोटे बच्चे हैं कहां में खड़ी हूं मुझे इस तरह कल कह रहा था। अच्छा, डर बैठ गया आप? हां जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? वो तो जवाब दे रही बेटे हो तुम, कह रही मैं नहीं खड़ी हूं। तो कहां वो लड़का कहां गया? वो लड़का जगाधरी गए है। तो पुलिस आई है, क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ पूछा पुलिस ने? पूछ के उसी ते गई थी पूछताछ का लड़के थे अनुराधा ते गई पूछ का। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।